बाइक राइडिंग इतना स्कैरी होगा कभी सोच नहीं था। शाम के 6:30-7:30 के आसपास समय हो रहा है और सिचुएशन देखो, बिल्कुल भी लाइट नहीं है। और ये टूवर्ड साउथ गोवा जाने के रास्ते पे हम है, ऑलमोस्ट यहाँ से साउथ गोवा 50-60 किलोमीटर है और इतना समय हो गया है। तो हमें बिल्कुल भी टाइम का अंदाज़ा नहीं था और कुछ इतना आइडिया नहीं था कि ऐसा भी होने वाला है, बट वी आर गुड। अभी जस्ट भगवान का नाम लेके हम आगे बढ़ रहे हैं एंड उम्मीद कर रहे कि आगे कोई एक मिल जाए रोशनी या सब कुछ नॉर्मली हम एक ऐसे जगह पे पहुंच जाए जहां पे लोग दिखे। लिटरली ये पूरा घाट का रास्ता है, साउथ गोवा के टूवर्स जा रहे हम और लिटरली ये घाट है पूरा। तो आप देख रहे हो सामने, मैं अपने सिर्फ खाली वो रिफ्लेक्टर के बेस पे चल रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है बट हेडलाइट ऑन है, तो सिर्फ उसके सहारे ही मैं आगे रोड पे कंटिन्यू कर रहा हूँ और एक कंसिस्टेंसी स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ। एक फील होता है कि कोई व्हीकल के साथ हम आगे आगे कंटिन्यू करें बट कोई व्हीकल ही नहीं दिख रहे पूरे रास्ते में। आप इमेजिन करो कितना स्कैरी है ये। वैसे भी रात को मैं बाइक राइड अवॉइड करता हूँ बट ये सिचुएशन ऐसा आ गया कि आई कैन नॉट स्टॉप इन बिटवीन। ये पूरा घाट ही है और ये घाट कब ख़त्म होगा आई डोंट नो। तो सुना था कि 10-20 किलोमीटर रहेगा, तो अब देखते हैं ये कब तक ख़त्म होगा। और लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि कोई नहीं है और फील लाइक आई जस्ट वॉन्ट एवरीथिंग गोज नॉर्मल और सब कुछ अच्छे से मैं यहाँ से ये जो है ना क्रॉस कर लूँ फटाफट सो दैट अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाओ। आई वॉन्ट सम पीपल, कोई दिखे मुझे रास्ते में, क्योंकि अभी मुझे भी डर लग रहा है और टू बी ऑनेस्ट बहुत स्कैरी है ये। टू बी ऑनेस्ट भूतों से ज़्यादा तो मुझे इंसानों का डर लग रहा है क्योंकि ये अनजान रास्ता हमारे लिए। भूत को तो एक बार टैकल कर लेंगे बट इंसान अगर गलत रहेगा तो वी कैन नॉट हैंडल द सिचुएशन राइट नाउ, सिचुएशन हमारे अगेंस्ट ही है। तो ऑल आई जस्ट वॉन्टेड कि फटाफट यहाँ से निकल जाए और ऐसे जगह पर आ जाए कि सामने बस्ती दिखे, लोग दिखे। लाइफ में पहली बार गूगल मैप ने धोखा दिया, सब रॉन्ग एस्टिमेशन हो गया। आई जस्ट वॉन्ट वी रीच सेफली टू आवर डेस्टिनेशन।